उन्नाव जनपद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोतवाली उन्नाव के दही चौकी क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट का एक टैंक तेज धमाके के बाद फट गया। इससे वहां आग लग गई। दमखम कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। टैंकर फटने के कारण 6 लोग घायल हो गए थे। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल को कानपुर रेफर किया गया। अब स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस और प्रशासन की ओर से आसपास के इलाके को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान में भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद इलाके में भगदड़ मच गई थी। हादसे की जानकारी पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस और प्रशासन किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आसपास के गांवों को खाली करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट के टैंक का वाल्व लीक होने के कारण तेज धमाके के साथ यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई। इस हादसे के बाद कानपुर लखनऊ रेल लाइन अप डाउन लाइन की ट्रेनें रोकी गई हैं। कानपुर में शताब्दी गंगा घाट में झांसी पैसेंजर उन्नाव में LGT को रोका गया है। धमाके के समय प्लांट में करीब 400 से 500 कर्मी थे। प्रशासन की सतर्कता समय रहते आगे आग पर काबू पा लिया गया जिससे एक बड़ा हादसा चल गया। नोजल में लीकेज होने की वजह से जैसे गैस बाहर निकलना चाहता था उससे एक जो है आदमी और उसकी वजह से जो एक उनके अधिकारी और बाकी 4 लोग घायल हुए हैं तो उनका इलाज चल रहा है। कोई बहुत सीरियस ऐसा घायल नहीं है और उसमें जो है तत्कालिक तौर पर फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद करा दिए गए थे। उसके लिए लखनऊ से भी जो है 5-2 फोम टेंडर और वाटर ब्राउजर और वाटर टेंडर और उसके अलावा कानपुर से भी टाई अप करके यहाँ पे तत्काल भेज दिया गया था। और यहाँ का जो लोकल इस प्लांट की व्यवस्था है उसमें भी जो है इनके पर्याप्त जो फायर सेफ्टी के मेजर्स इनके पास में उपलब्ध है उसके माध्यम से पूरा प्रयास करके काफ़ी समय रहते इसमें जो है नियंत्रण कर लिया गया। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SP और फायर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौके पर ऐसी सूचना मिली वहाँ पर पहुँच गया। उन लोगों ने पूरी स्थिति अपने अधीन लेकर के समय पर नियंत्रित कर लिया। काफ़ी तक के आप देख रहे हैं सर, क्या लगता है प्रथम दृष्टया किसी की लापरवाही सामने आ रही है? ये तो जो इनके HPCL के इंटरनल जांच का विषय है कि किस प्रकार के जो इनका एक प्रोटोकॉल होता है SOP होता है जो टैंकर्स हैं उनकी फिलिंग से लेकर के उसके ट्रांसपोर्टेशन तक का, तो वो जो है अपनी जांच के माध्यम से फिर बताएं हमको अवगत कराएं। जैसा भी प्रशासनिक तौर पर हम लोगों को उसमें सावधानी और भविष्य में बरती है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए हमारे CFO लखनऊ CFO कानपुर सभी से बात की गई। मोबाइल दो पीछे कर लो वो इनको उपलब्ध कराया गया। प्रथम दृष्टिया ये पता नहीं लग पाया था आग की क्वांटम क्या है, तो इसीलिए एहतियातन जो है हम लोगों ने जितने भी प्राइवेट फायर टेंडर हैं जिनके जिनके पास डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से भी बात हुई कानपुर इंडस्ट्री उनसे भी बात की। ग्राउंड पे ये पता लगा है कि लगभग 8 टैंकर्स जो हैं फिलिंग के लिए आए हैं, इसमें एक ही नोजल में लीकेज होने की वजह से ये आग पकड़ी है। यहाँ की सिस्टम और जो जिले के फायर के और फायर सिस्टम से इसको उठा लिया गया और एक बड़ी घटना को रोक दिया गया और जो है अभी आग पूर्णतः काबू में जो कुछ यूनिट्स जो है इनके लीकेज हैं उनको ठंडा किया जा रहा है। ऐसा है कि जो है एहतियातन जो भी कदम यहाँ के जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया था वो एहतियातन उठाया गया था और वो ठीक ही है। थोड़ी देर के लिए जो है उस समय आकलन नहीं हो पाया था कि आग की इंटेंसिटी क्या है, उसको देखते हुए जो है मौके पर प्रशासन ने किस तरीके से बचाव है? नहीं, गैस प्लांट में आग नहीं लगी थी, यहाँ पर एक टैंकर था उस टैंकर की रिफिलिंग हुई है और उसका वाल्व पूरी उसकी बॉडी से निकल गया दुर्घटनावश, तो उससे गैस रिसाव हुआ है उससे आग लगी थी। तो वहाँ पर जितने टैंकर खड़े थे करीब 8 टैंकर तो उनमें से आग लगी और एक टैंकर ऐसा है
जिस टैंकर में थोड़ा सा रिसाव हो रहा था उसका और दो टैंकर उसके पीछे खड़े थे उनमें आग लगने से उनके टायर बस्ट कर गए हैं, लेकिन जो टैंकर का ट्यूब है यानी जो उसका मेन बॉडी है वो सुरक्षित है। यहाँ पर पूरा जो है फायर फाइटिंग इंतजाम करके उनको अभी सुरक्षित कर लिया गया है और 80% चीज़ें काबू में कर ली गई हैं और बाकी जो हल्का फुल्का है उसको तुरंत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ साथ पर्याप्त कूलिंग की जा रही है जिससे कि आग बलने न पाए। प्लांट के जितने वाल्व हैं वो सब बंद करा दिए गए थे। यहाँ पर पूरा तरीके से आसपास की फैक्ट्रियों को भी सुरक्षा के दृष्टिगत बंद करा लिया गया है और आसपास के गाँव को भी सुरक्षा के दृष्टिगत उनको आगाह कर दिया गया है कि कोई दुर्घटना की स्थिति में वो सब सतर्क रहें, सचेत रहें। ट्रैफिक हमारा ठीक तरीके से चल रहा है तो अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं है। इंजर्ड होने की भी सूचना है? हाँ, चार लोगों के इंजर्ड होने की सूचना है जिसमें तीन लोग हमारे जिला अस्पताल में हैं, वो सब खतरे से बाहर हैं और एक इनके मिस्टर पुलस्ते हैं, उनको रिजेंसी अस्पताल भेज दिया है एसपीएल ने, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। में क्या स्थिति है अब? क्या प्रेजेंट टाइम में 80-85% कंट्रोल कर लिया गया है, हल्का फुल्का असर है और कूलिंग की प्रक्रिया चल रही है तो अभी ठीक है। हम लोग अभी अंदर से प्लांट से निकल करके आ रहे हैं तो पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।